बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इरशाद हुसैन हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, कल हमारे लिया के शहर चौक आज़म से दो गाड़ियां चोरी हुई हैं, दो कारें, और एक ही दिन में एक ही शहर से दो कारें चोरी हो जाना, उसका मकसद है कि उस गैंग ने एक मरतबा फिर एक्टिव होकर ये पैगाम दिया है शहरियों को कि जनाबे वाला, अब जागते रहना, सोना नहीं है, अब आपकी गाड़ियां हमारी हिफाजत में हैं और हम जब चाहेंगे इनको ले जाएंगे। पुलिस मसरूफ कार्रवाई है, लेकिन जो गाड़ी चोर आते हैं वो अपनी बड़ी तवील प्लानिंग करके आते हैं, और आज तक बहुत कम ये देखा गया है कि कोई गाड़ी चोर गैंग जो है वो गाड़ी चोरी करते हुए पकड़ा गया हो या ले जाते हुए, रास्ते में बहुत कम, किसी और जिला में किसी और चेक पोस्ट पे जाके तो ऐसा हो सकता है, लेकिन फिल फॉर उनकी जो है वो पकड़ाई जो है वो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन ये भी बहुत हमने देखा है कि पिछले दौर में कई कारें चोरी हुई, जिनमें से अक्सर कारें जो है वो वापस आई, और कुछ जो वापस ना मिल सकें, मालकान बेचारे उन गाड़ियों से महरूम हुए, लेकिन कुछ जो है वो अभी जब बिलावल भुट्टो आया था करोड़ में, तो हमारे एक वकील भाई की गाड़ी चोरी हुई थी, वो बड़ा लकी था, पुलिस ने उस पर बड़ी मेहनत की और वो गाड़ी वापस आ गई, वापस मिल गई। और कुछ चोर ऐसे भी होते हैं, गैंग ऐसे भी होते हैं जो गाड़ियां चुरा के ले जाते हैं और फिर वो पैसे मांगते हैं और भत्ता मांग कर वो गाड़ियां वापस करते हैं। बहरहाल थोड़ा सा होशियार रहिए, और कल से इन वारदातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। चौक आजम से एक ही दिन में दो कारें चोरी हुई हैं, और अगली बारी शायद लैया की हो, तो लैया के लोग भी मोहतात रहें और कोशिश करें कि अपनी गाड़ियों पर नजर रखें। और ये चोर इतने एक्टिव होते हैं, इस कदर रैकी करते हैं कि आप गाड़ी खड़ी करके कहीं अंदर गए और वो गाड़ी उठा के ले जाते हैं, उनके पास जो है वो चाबियां पुरजे होती हैं। अब नई जो गाड़ियां आई हैं 2020-21 मॉडल आए हैं, उनकी चाबी के साथ सेंसर लगे हुए हैं, वो गाड़ियां चुराना थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ऐसी गाड़ियां जिनकी चाबी के साथ सेंसर नहीं है उनको वो बड़ी आसानी से स्टार्ट कर लेते हैं, खसूसन बड़े आसानी से वो 2005-6-7-8 मॉडल जो है इन गाड़ियों को बड़ी आसानी से चोरी कर लेते हैं। लेकिन कल जो गाड़ियां चोरी हुई हैं वो तो नई गाड़ियां थी और वो उनको चुरा के ले गए हैं। आप बहरहाल कोशिश करें अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि हर वक्त हर जगह पर पुलिस मौजूद नहीं होती, और हमारे लिया में वैसे भी पुलिस बहुत कम है। हमारे 20 लाख लोगों के लिए 800 पुलिस अहलकार हैं, जिनमें से आधे जो है वो मुख्तलिफ कोर्सेज ड्यूटियों गार्ड्स पर होते हैं और आधे जो है वो मौजूद होते हैं जिला में, उनकी भी बहुत सारी ड्यूटियां होती हैं। तो यहाँ पे सूरत हाल जो है वो बहुत उस वक्त मुश्किल में है। सिर्फ पुलिस ने ही हमारा ख्याल नहीं करना, हमने खुद अपनी चीजों का भी ख्याल करना है, हमने एक दूसरे की चीज पर भी नजर रखनी है, कोशिश करनी है कि हम सब जो है मिलकर एक दूसरे की हिफाजत करें, एक दूसरे की चीजों को महफूज बनाएं, और हम कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी मदद करें। कोई ऐसा मशकूक शख्स नजर आता है तो उस पर भी नजर रखें। मोटरसाइकिल चोरी होना तो आए दिन की बात थी, एक ही दिन में लैया के शहर चौक आजम में से दो कारें चोरी हो जाना जो है वो बड़ी तश्वीशनाक बात है। तो इस कार लिफ्टर गैंग ने ये ऐलान कर दिया जी कि हम लैया में वापस आ गए हैं, तो तैयार हो जाओ। हमें तैयार रहना चाहिए, अपनी हिफाजत आप करनी चाहिए, अपनी गाड़ियों की हिफाजत करनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, और बिल्कुल भरपूर नजर रखिएगा अपनी चीजों पर, और अपनी चीजों का ख्याल रखिएगा, और साथ साथ अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।